हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल फैंटेसी स्पोर्ट्स 11 पे। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले रिपोल वॉरियर्स वर्सेस बर्ना रॉयल्स के बीच में जो 19वां मुकाबला खेला जाएगा ECS T10 लीग का। दोस्तों, ये मुकाबला काफ़ी रोमांचक होने वाला है क्योंकि दोस्तों दोनों ही टीम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और दोस्तों बहुत ही अच्छे प्लेयर्स दोनों टीम में रखे हुए हैं। और दोस्तों अभी तक जितने मुकाबले दोनों टीम ने खेले हैं, दोनों ने दोस्तों जो अपने अपने दोनों के दोनों मुकाबले जो है दोस्तों वॉन किए हैं। तो दोस्तों ये मुकाबला आपको जो काफ़ी जो इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा, दोनों टीमें काफ़ी अच्छा टकराव और रोमांचक भरा मैच आपको ये देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो में कवर करने वाले दोनों ही टीमों के जो प्लेइंग 11 है, साथ ही दोस्तों ऑल प्लेयर्स के रिकॉर्ड्स देखने को आपको इसमें मिलने वाला है। और दोस्तों आपको जो है डिफरेंशियल पिक्स जो ग्रैंड लीग के लिए है, और दोस्तों बेस्ट कैप्टन वाइस कैप्टन रहेंगे हमारे स्मॉल लीग में हेड टू हेड के लिए, सारा कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा ताकि दोस्तों आपको जो है अच्छी पॉइंट्स आपको मिल जाए इसमें मैच में, आपको काफ़ी अच्छे जो विनिंग हो जाए। और इसमें एक ऐसी ट्रिक बताऊँगा जिससे आप जो ग्रैंड लीग ईजिली विन कर जाओगे दोस्तों। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल फैंटेसी स्पोर्ट्स 11 को दोस्तों सब्सक्राइब कर ले, साथ ही दोस्तों बेल आइकन को जो ऑन कर ले, ताकि दोस्तों इससे यह होगा कि हमारे सारे जो वीडियोस होंगे अपलोड वो जो आपका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी। तो दोस्तों देखते हैं यहाँ पे हमारी जो टीम की जो न्यूज़ है, डिटेल्स क्या क्या है। दोस्तों जैसे कि पता है 19वां मैच खेला जाएगा ये आज रिपोर्ट्स वॉरियर्स वर्सेज बर्ना रॉयल्स के बीच में। दोस्तों मोजिक जो आपको ओलंपिक ग्राउंड में जो से मुकाबला खेला जाएगा लाइव, और दोस्तों 7 बजे से इंडियन टाइमिंग के हिसाब से लाइव मुकाबला जो आपको देखने को मिलेगा दोस्तों फैन कोड ऐप पर। तो दोस्तों आगे बात करें वेदर रिपोर्ट की, तो दोस्तों यहाँ पे जो क्लाउड रहने वाला है दोस्तों, बाकी थोड़ी चांसेस है यहाँ पे कि दोस्तों जो रेनफॉल के दोस्तों हो सकता है यहाँ पे जो कोई बीच में मैच के बीच में दोस्तों कोई भी यहाँ पे बारिश के चांसेस बहुत कम है। दोस्तों बात करें टेम्परेचर की, तो यहाँ पे 10% जो है 10 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे टेम्परेचर रहने वाला है 7 बजे के टाइम में। पिच रिपोर्ट की बात करें दोस्तों, जैसा कि हमें पता है यहाँ पे काफ़ी अच्छा जो बैटिंग पिच है दोस्तों, काफ़ी अच्छा यहाँ पे रन्स देखने को मिलता है। साथ ही दोस्तों बात करें तो पिच जो हेल्प करती है दोस्तों, यहाँ पे जो पहले मैंने बताया दोस्तों यहाँ पे जो पेसर को जो थोड़ी सी स्टार्टिंग के ओवर्स में जो अच्छी हेल्प मिलती है, क्योंकि दोस्तों गेंद जो नई रहती है तो नई गेंद से जो विकेट्स निकालना काफ़ी ईजी हो जाता है बॉलर्स के लिए। उसी का दोस्तों आगे बढ़ते हैं स्कोर की तरफ से, फर्स्ट इनिंग आपको जो 90 या फिर 90 प्लस आपको जो यहाँ पे स्कोर देखने को मिल सकता है इस मैच में। और दोस्तों बात करें जो विनिंग कॉम्बिनेशन की, दोस्तों 5 बार जो टीम पहले बैटिंग की है उसने मैच जीता है, और दोस्तों 2 बार जो है टीम वो जीती है जिसने पहले बॉलिंग की है। तो दोस्तों इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो चेजिंग टीम है दोस्तों वो यहाँ पे जो पहले बैटिंग करती है वो जो मैच जीत जाती है, मीन्स कि दोस्तों जो पहले बैटिंग करते हैं लास्ट में फील्डिंग करती है। और चेजिंग टीम का जो यहाँ पे रिकॉर्ड ख़राब रहा है, जो चेज करते हैं ज़्यादातर मैच हारे हैं यहाँ पर टीम ने। आगे बात करें जो विनिंग पिटिशन है, तो दोस्तों जो RIV का जो है चांसेस काफ़ी ज़्यादा है इस मैच को विन करने के, कि दोस्तों इन्होंने 2 मैच खेले हैं और दोस्तों काफ़ी अच्छा इनके पास एक्सपीरियंस प्लेयर है, तो ये मैच जीतने के ज़्यादातर चांसेस RIV मीन्स की रिपोल वॉरियर्स के है। तो दोस्तों आगे हम देख लेते हैं दोनों ही टीमों के जहाँ प्लेइंग 11 रहने वाले, साथ ही दोस्तों एक एक रिकॉर्ड्स आपको जो बताया जाएगा इसमें। तो जैसे पहले हम बात करते हैं बर्ना रॉयल्स की तरफ से, तो आप देख सकते हैं सैयद गुलज हुसैन की, तो दोस्तों इन्होंने 3 मैच खेले हैं, 25 रन और दोस्तों साथ ही 1 विकेट। सरजीत कजदर की बात करें तो 9 मैच में 110 रन है दोस्तों और 8 विकेट निकाले हुए हैं। नाविल कुजर की बात करें 5 मैचों में 55 रन और 3 विकेट। तक्की उल मजहार की बात करें 3 मैचों में दोस्तों 51 रन है और अभी तक इनको कोई विकेट हाथ नहीं लगाया है। हाजमा अजहर की बात करें 1 मैच में दोस्तों 8 रन है और 2 विकेट भी निकाले हैं, जो कि बहुत अच्छा है दोस्तों। 2 विकेट निकाले तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म इन्होंने किया इस मैच में। अनास सुल्तान की बात करें तो दोस्तों 1 मैच खेला है दोस्तों, साथ ही 15 रन बनाए हैं इन्होंने। सैयद अली नाकी की बात करें तो 6 मैचों में दोस्तों 17 रन है, जो कि एक डाउन परफॉर्मेंस है इस टीम के इनके लिए। मुराद अली की बात करें तो 1 मैच में 2 रन है और साथ ही 1 विकेट भी निकाला है। अली हसन ने 5 मैच खेले और 3 विकेट अपने टीम को जो निकाल कर दिए हुए हैं। वाकस अनवर की बात करें, इस टीम के स्टार बॉलर है, जो 12 मैचों में 15 विकेट्स निकाल कर रखे हैं दोस्तों, अपने नाम कर रखे हैं। काफ़ी अच्छा परफॉर्मिंग बॉलिंग जो होती है इनकी इस मैच में टीम में। आगे बात करें उमर जमान की, इन्होंने 6 मैच खेले, साथ ही 49 रन बनाए हुए हैं, अभी तक इनको जो कोई भी विकेट नहीं मिला दोस्तों। तो दोस्तों आगे हम इस बात करते हैं इस टीम से जो आपको इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है वो, उसकी भी दोस्तों आपको लिस्ट नीचे ही दिखा देता हूँ दोस्तों, यहाँ पर हम टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम अपने जो प्लेइंग 11 के साथ, तो दोस्तों यहाँ पे प्लेइंग 11 देखने को मिलेगा आपको रिपोल वॉरियर्स की तरफ से। तो जो आपको मोहसिन अली आपको जो ओपन करते हुए नज़र आएंगे इस मैच में, जिन्होंने 4 मैच खेले, 74 रन और 1 विकेट भी निकाला हुआ है। और दोस्तों बात करें इस टीम के सबसे स्टार प्लेयर, जो कि बहुत ही ज़्यादा जो खासा जो T20 स्टार्टिंग ओवर में जो अपना प्रदर्शन दिखाते हैं, इतने अच्छे हिट्स मारते हैं, चौके बाउंड्रीज काफ़ी अच्छी मारते हैं दोस्तों, इन्होंने अपने नाम जो काफ़ी जो है
अच्छी 50 और दोस्तों काफ़ी अच्छे एक सेंचुरी भी मार रखी है इन्होंने। और साथ ही दोस्तों देख सकते हैं 9 विकेट भी निकाला, तो इस टीम के लिए सोच सकते हैं कितना ज़्यादा जो है स्टार प्लेयर काफ़ी जो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स मैच में रहने वाले हैं। आगे बात करें वकार इकबाल की दोस्तों, तो इन्होंने 4 मैचों में 84 रन साथ ही 2 विकेट निकाला हुआ है। गुलाम साबर की बात करें तो 2 मैचों में 54 रन और 3 विकेट निकाल के रखे हैं। दोस्तों बात करें तो इमरान हुसैन और साथ ही दोस्तों जवीर सिंह, तो दोस्तों इनके तरफ से अभी कोई भी टीम की तरफ से कोई भी ऑफिशियल जो है इनका रिकॉर्ड शामिल नहीं किया गया, जिसके कारण इनका हमें इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं मिला है। आसिम मकबूल की बात करें तो दोस्तों आसिम मकबूल ने दोस्तों 5 मैचों में 122 रन मारे और साथ ही 5 विकेट निकाले हैं, तो ये भी काफ़ी अच्छे रिकॉर्ड्स इनके इस मैच में इस टीम की तरफ से है। आगे बात करें दोस्तों मोहम्मद नाजिम की, दोस्तों इन्होंने 11 मैचों में 16 विकेट्स निकाले हैं। साथ ही दोस्तों बात करें इकतावर इकबाल की, इन्होंने 4 मैचों में 69 रन और साथ ही दोस्तों 3 विकेट भी निकाले हैं। अजहर इकबाल की बात करें तो 2 मैच खेला और साथ ही दोस्तों अभी तक इनको कोई भी सफलता नहीं मिला है। लास्ट में बात करें तो आमिर शहजाद की दोस्तों, तो आमिर शहजाद का अभी कोई रिकॉर्ड शामिल नहीं, लेकिन दोस्तों बात करें तो इनका जो है परफॉर्मेंस काफ़ी बेस्ट प्लेयर है, काफ़ी अच्छा परफॉर्म करके दे सकते हैं आपको इस मैच में, क्योंकि बेस्ट प्लेयर है इस टीम की तरफ से ये भी। तो दोस्तों आप यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों कितनी जो है स्ट्रॉन्ग टीम है जो है रिपोल वॉरियर्स के मुकाबले में यहाँ पर जो है। तो आगे बात करते हैं दोस्तों बर्ना रॉयल्स से, तो काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग टीम है ही दोस्तों रिपो वॉरियर्स की, आपको यहाँ पे देखने को मिल ही गया होगा। तो दोस्तों आगे हम बात करते हैं दोनों टीमों के जो है यहाँ पे टॉप के पिक्स रहने वाले जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस मैच में रहेंगे। तो दोस्तों हमें पता है प्रिंस दीमान जो दोस्तों सच में काफ़ी अपने लिए बहुत जो हमारे सबसे स्टार प्लेयर रहेंगे, काफ़ी इनकी परफॉर्मेंस बॉलिंग बैटिंग देख सकते हैं आप कितना बेस्ट था दोस्तों, तो बहुत ही अच्छे प्लेयर इस मैच में रहने वाले, काफ़ी ज़्यादा पॉइंट दे सकते हैं आपको। आगे बात करें दोस्तों वकार इकबाल रहने वाले, उसका दोस्तों मोहसिन अली है, नाजी मोहम्मद अख्तादर इकबाल खान, तो ये 5 जो रहेंगे टॉप पिक्स रहेंगे जो हमारे मतलब कि रिपोल वॉरियर्स की तरफ से। तो दोस्तों काफ़ी अच्छे प्लेयर्स हमने यहाँ पे देख लिए हैं। आगे बात करते हैं बन्ना रॉयल्स की तरफ से, तो सैयद गुरलेजा, उसका दोस्तों नाजी नाबिल कुजार, उसका दोस्तों वाकस अनवर, उसका दोस्तों लास्ट में देख सकते हैं मुराद अली और साथ ही दोस्तों हाजमा जो अजहर है, तो ये दोस्तों 5 इनकी तरफ से है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कितने जो बेस्ट प्लेयर्स यहाँ पे हमारे जो पिक्स दिखा सकता हूँ दोस्तों आपको, काफ़ी इजीली आप इनके साथ जो है मैच विन कर सकते हो। तो दोस्तों आगे हम अपनी टीम देखने से पहले आपको बोलना चाहूँगा हमारे चैनल फैंटेसी स्पोर्ट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, और साथ ही दोस्तों बेल आइकन ऑन कर लें ताकि दोस्तों आपको जो है हर मैच में काफ़ी अच्छी विनिंग करा सकूँ मैं दोस्तों। आगे दोस्तों यहाँ बात करते हैं हमारी जो टीम रहेगी आज के मैच में रिपो वॉरियर्स वर्सेज बर्ना रॉयल्स के लिए, दोस्तों यहाँ पे आपको जो टीम दिखा देता हूँ जो कि हमने बना कर रखा है स्मॉल लीग हेड टू हेड के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे आप प्रीव्यू देख सकते हैं जो कि वकार इकबाल है, उसका दोस्तों एम अली है, उसका दोस्तों ए सुल्तान, उसका दोस्तों एस गुरलेज ऑलराउंडर सेक्शन से दोस्तों ए शहजाद रहने वाले, एक इकबाल है, उसका दोस्तों प्रिंस दीमान जो कि सच में अमेजिंग प्लेयर है दोस्तों इस टीम में एक। आगे बात करें दोस्तों तो एच अजहर रहेंगे, उसका दोस्तों बॉलिंग में दोस्तों एम नाजिम, उसका एम अली, उसका दोस्तों डब्लू अनवर मतलब कि वाकस अनवर। तो दोस्तों ये हमारी जो प्रिडिक्टेड फाइनल 11 प्लेयर्स रहने वाले ड्रीम 11 में दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो में जो क्या आपको अच्छा लगा, हमारी टीम कैसी लगी है दोस्तों कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। साथ ही दोस्तों आपको वीडियो ज़्यादा अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, लाइक और दोस्तों कमेंट करके जरूर हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, हमारी टीम जो आपको ये कैसी लगी दोस्तों। इस टीम से दोस्तों आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ काफ़ी अच्छी आपको विनिंग होने वाली हेड टू हेड, 3-2 मेंबर्स की जो होते आके बात करें दोस्तों 4 मेंबर्स की 5 मेंबर्स की इजीली आप इससे विन कर जाओगे दोस्तों इस टीम कॉम्बिनेशन से। दोस्तों अगर आप चाहते हैं तो यहाँ से आप एक और जो है सिलेक्शन कर सकते हैं अपने वाइस कैप्टन की, जहाँ पर आपको बताओ तो कैप्टन ये रहेंगे और वाइस कैप्टन यहाँ पे एच अजहर को बना सकते हो। तो दोस्तों ये आपके लिए फाइनल टीम रहेगी ड्रीम 11 पे, आप चाहते हैं तो अदर फैंटेसी ऐप्स भी इस टीम को ट्राई कर सकते हैं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।